हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने जो DCM सीरीज है उसकी नंबर 39 सीरीज को लेकर के मिल रहे हैं। अपनी CLC द्वारा चलाई गई एक बहुत बेहतरीन सीरीज है, जिसमें आपको NCERT को कवर करते हुए कंप्लीट लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए उतना बेहतरीन होता है, क्योंकि टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो NCERT में अगर हम 3 या 4 चैप्टर से या 1 या 2 चैप्टर से अगर 120 क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसका मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी होती है वो सभी इंक्लूड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको बड़े मन से अपने पास में दे ही रहे हैं, तो अपने पास में उसी तरह से अब हम भी जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लीकेशन की अपने पास में 13 नंबर सीरीज के साथ में मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी कोशिश की है, इसमें NCERT बेस्ड, NCERT से बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब 120 क्वेश्चन है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है और 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर है। तो सभी के अपने पास में 120 क्वेश्चन है और उसके अंदर से अपने पास में सिर्फ और सिर्फ NCERT इंक्लूड है। तो इसका मतलब आपका इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर है? तो अब पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो अपने पास में है, इन लैकोपेरोन द जेड जीन कोडेड फॉर ए विच इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। बच्चों आपको पता है, वैसे मैं हर किसी के पेज नंबर नहीं बोलूंगा, आपको 117 पेज नंबर पर NCERT में आपको डायग्राम मिलेगा, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर अपने पास में देखिएगा क्या कह रहा है, ये लैकोपेरोन से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जीन है, जीन का नाम अपने पास में कौन से जीन है, जेड जीन है। तो क्या बनाएगी जीन, कोई भी होती है, mRNA बनाएगी, mRNA से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन को अपन एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम अपने पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि बच्चों आप एक बात जानते हो कि अपने पास में 3 जीन होती है, Z, Y और A, लैकोपेरोन में ये काम करती है। और आपको पता है कि जब माध्यम में, जब मीडियम के अंदर अपने पास में ग्लूकोज नहीं होता है, तो ये अपने पास में ग्लूकोज जब माध्यम में नहीं होता है तो बच्चों बैक्टीरिया ग्लूकोज ही खाता है, उसको ग्लूकोज से मतलब है। तो क्या होता है, हम उसको लैक्टोज देते हैं, तो वो इस लैक्टोज को अपने पास में क्या करता है, तोड़ता है। किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और इसको तोड़ने के लिए जो अपने पास में एंजाइम होता है बच्चों, वो कौन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो प्यारे बच्चों अपने पास में आंसर जो हो जाएगा, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और अपने पास में लैक्टोज को वो क्या करता है, तोड़ता है। क्लियर हो गया थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज डेराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन, कौन सा प्यूरिन से व्युत्पन्न है। तो बच्चों आपको पता है कि एडिनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन है, और अपने पास में बाकी जो बच गए, साइटोसिन, थायमिन और यूरेशियल, क्योंकि आपको पता है DNA में थायमिन होता है, RNA में यूरेशियल, ये क्या है बेटा, पायरिमिडिन है। तो अपने पास में प्यूरिन और पायरिमिडिन के व्युत्पन्न है, तो उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा बच्चों, गुआनिन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों अपने पास में प्रोकैरियोट अनुलेखन के बारे में पूछा है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है डियर, DNA से अपने पास में किसका निर्माण होता है, RNA का, और कौन से RNA का, mRNA का। तो DNA से mRNA का निर्माण होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बच्चों कुछ मेजर अपने पास में डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, जैसा कि क्या डिफरेंस होता है, मैं एक आधे की बात कर लेता हूं कि अपने पास में DNA से mRNA बनता है प्रोकैरियोट में डायरेक्ट, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है बच्चों, hnRNA बनता है, और फिर इस hnRNA की स्प्लाइसिंग होती है और क्या बनता है अपने पास में, mRNA। क्योंकि यूकैरियोट में अपने पास में स्प्लिट जीन होती है बच्चों, स्प्लिट जीन वो जीन होती है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सिक्वेंस होती है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब हमारे पास में बात ऐसे आ रही है, तो अभी इसका अपन पढ़ लेते हैं, रो फैक्टर प्रोटीन, या रो फैक्टर बोल दो या प्रोटीन, इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल गलत बात है। रो फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। इनिशिएट कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। दूसरा है, mRNA रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, एक्टिव होने के लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है mRNA में, क्यों, क्योंकि इससे तो DNA से डायरेक्ट mRNA बनता है। यूकैरियोट में एक्टिव mRNA बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, संसाधन करना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे उसको,
स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोट। आगे अपने पास में कह रहा है ट्रांसलेशन बीइंग बेहन एमआरएनए इज फुली स्प्लाइस्ड। ठीक है, नहीं स्प्लाइस्ड करने की जरूरत ही नहीं होती है प्रोकैरियोट में। तो इसमें एमआरएनए बनते ही ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। प्यारे बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये लाइन बहुत गौर से लिखी हुई है कि अपने पास में प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म 100% सत्य है, क्योंकि आप जानते हो अपने पास में बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो सारा का सारा प्रोसेस कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी एमिनो एसिड विल बी कोडेड बाय द एमआरएनए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखी है, इफ ए यूरेसियल रेज्यू इंसर्टेड आफ्टर 9 न्यूक्लियोटाइड। प्यारे बच्चों 90 न्यूक्लियोटाइड के बाद में अपने पास में क्या किया गया, यूरेसियल इंसर्ट किया गया है। अब देखो आपको पता है एक कोडोन होता है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट होता है, तो वो अपने पास में 3-3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम में पढ़ा जाता है। तो बच्चों अब मैं 3-3 का क्रम बना लेता हूं, ए यू जी हो गया, दूसरा जी यू ए हो गया। ठीक है, तो अपने पास में ए यू जी, जी यू ए, अब इसके बाद में ए जी यू हो गया, फिर अपने पास में जी ए ए हो गया, फिर अपने पास में जी ए यू हो गया, और फिर अपने पास में यू ए ए हो गया। क्लियर है, तो कितने अपने पास में कोडोन हो गए, जो कोडोन है 3 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं, तो अपने पास में इसमें कितने कोडोन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोडोन हो गए। अब देखो बच्चों अपने पास में कुल 61 कोडोन होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। 3 कोडोन होते हैं उनके अपने पास में टीआरएनए नहीं होते हैं, तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करते, इन्हें क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉप कोडोन। कौन से हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है, ये अपने पास में क्या है बच्चों, स्टॉप कोडोन है। अब बच्चों अपने पास में क्या होता है, UAG, ये अपने पास में स्टॉप कोडोन हो गए। तो बच्चों अब यहां पर ये स्टॉप कोडोन आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये स्टॉप कोडोन आ रहा है, तो ये श्रृंखला पहले कितने का एमिनो एसिड की थी, 5 एमिनो एसिड की। अब क्या हो रहा है, 90 के बाद में, 90 के बाद में आपने क्या, यूरेशियल इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या होगी कंडीशन, देखो ये वाला पूरी फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाएगी, कैसे, यू जी ए बन जाएगा, इसका ए आगे चला जाएगा, ए जी ए बन जाएगा, और उसका यू ए, नहीं यू यू ए आ जाएगा, यू यू और ए। ठीक है, और एक एडिनिन लास्ट में बच जाएगा, ऐसे हो गई। तो अब बच्चों अपने पास में समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि ये वाला कोडोन जो है ये अपने पास में क्या है, स्टॉप कोडोन है, यूजीए, और स्टॉप कोडोन है, तो इसका मतलब 3 ही कोडोन की अपनी क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गई बात बेटा, तो 3 कोडोन की अपने पास में पॉलीपेप्टाइड बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोडोन। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोडोन की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों अपने पास में जेनेटिक कोडोन की बात करें तो जेनेटिक कोडोन अपने पास में क्या होता है, पहला है अनएम्बिगेंस। ठीक है, अनएम्बिगेंस, असंदिग्ध, मतलब जिसपे संदिग्ध नहीं, वो मतलब संदेह नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कोडोन वफादार होता है। एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, जिसपे संदेह नहीं कर सकते ना भाई, संदेह किस पे नहीं कर सकते, जो एक का एक हो। अब एक का अनेक हो उस पे तो संदेह किया जा सकता है, तो अपने पास में इसका मतलब असंदिग्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है, असंदिग्ध होते हैं, एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, कोडोन वफा निभाता है, लेकिन एमिनो एसिड के अपने पास में मोर देन 1 कोडोन होते हैं, तो अपने पास में एमिनो एसिड क्या होता है, बेवफा। ठीक है, तो इसके क्या होता है, एक से अधिक कोडोन होते हैं, तो अपने पास में कोडोन वफा और एमिनो एसिड क्या है, बेवफा। बेवफा है तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर डीजर्नेसी होगी, अपहासित होगी, देखा और अपने पास में वहां से मूव कर गया, तो इसके अंदर डीजर्नेसी होगी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीजर्नेट होता है, यहां लिखा है नॉन डीजर्नेट। जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, सही है बात ही। जेनेटिक कोडोन आर नियरली यूनिवर्सल, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है बच्चों, नियरली यूनिवर्सल होते हैं अपने पास में, ऑलवेज यूनिवर्सल नहीं होते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, आंसर चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा,
ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास में, आइडेंटिफाई एबीसी इन फिंगर गिवन ब्लो, आपको दिए गए चित्र में से एबीसी को आइडेंटिफाई करना है। ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या है टर्मिनेटर, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा, तो अपने पास में है मैच द कॉलम, सुमेलित कीजिए, और सीधा सा है आपके एनसीईआरटी के डेटा है, इकोलाई का डीएनए उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। अब इसको आप जीनोम भी बोल सकते हो क्योंकि इकोलाई जो है प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट का डीएनए ही जीनोम है, ठीक है। तो अब दूसरा अपने पास में ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब होता है हैप्लोइड गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की संख्या, तो इसका अपने पास में अमाउंट हो जाएगा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। इसका लैम्डा बैक्टीरियोफेज का 48,502 और इसका अपने पास में 5386, तो ये हमारे पास में आ जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है भाई। तो अब आगे चले, आगे तो आगे चलेगा, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी के हैं, राइबोजाइम इज नॉट, प्यारे बच्चों राइबोजाइम आपको पता है दुनिया में हम एक लाइन बोलते थे हमेशा कि ऑल प्रोटीन्स आर, और नहीं अपने एक लाइन बोलते थे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन राइबोजाइम की वजह से वो लाइन नहीं बोल पाते क्योंकि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन नहीं होकर के क्या होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ये क्या है एंजाइम, तो एंजाइम है न्यूक्लिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है 23S rRNA इसमें पाया जाता है, ठीक है। और अपने पास में बायो कैटालिस्ट होता है, लिपिड इसके अंदर नहीं होती है, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा 4। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 9 नंबर, तो उसकी बात करते हैं। हाँ तो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं, तो कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, ने दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है द कोडोन इज ट्रिपलेट, बिल्कुल सही बात है, कोडोन ट्रिपलेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है। अब अपने पास में ये वफाई का सबूत आ गया कोडोन की का, द वन कोडोन कोड ओनली फॉर वन एमिनो एसिड वफा करता है, ये बिल्कुल सही बात है, एक एमिनो एसिड से बंधा रहता है, लेकिन एमिनो एसिड कोडोन के साथ में क्या करता है बेवफाई करता है क्योंकि वो अपने पास में मोर देन वन कोडोन के साथ बंधा रहता है, तो अपने पास में उसको डिजर्नेसी बोलते हैं, इसको एम्बिगेंस नेचर बोलते हैं। सम कोडोन्स सम एमिनो एसिड आर कोडेडेड बाय मोर देन वन कोडोन, ये बेवफाई का सबूत आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट है एयूजी इज इनिशिएटर कोडोन विच कोड फॉर मिथियोनिन, बिल्कुल सही बात है, एयूजी शुरुआती कोडोन है बच्चों और मिथियोनिन को कोड करता है, कई जगह ये एन फॉर्मिल मिथियोनिन को भी कोड करता है, और फिर अपने पास में हम क्या करते हैं एन फॉर्मिल को जब हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का टाइम आता है तब हटा देते हैं, क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात है कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल सही बात है, अपने पास में मैंने आपको पहले बताया ऑलवेज यूनिवर्सल नहीं है, नियरली यूनिवर्सल है, एग्जाम्पल UUU इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स कोड फॉर फिनाइल एलिनिन, बिल्कुल सही बात है। कोडोन आर ओवरलैपिंग टाइप, बिल्कुल ये गलत बात है, कोडोन कभी भी ओवरलैप नहीं करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे TMB एक एक्सेप्शन आता है वहां पर ये ओवरलैप करते हैं, वो आपको लर्न नहीं करना है, तो आपको ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, अगर जीरो स्टेटमेंट आता तो जरूर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता क्योंकि एक्सेप्शन को इंक्लूड करें या नहीं करें, पर अपने पास में ऐसा होता नहीं है कि ऐसा ऑप्शन आए, तो अपने पास में ये आंसर चला जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में, और ये क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। एक्सॉन के बारे में आपसे कह रहा है, एक्सॉन आपको पता है बेटा जो कोडिंग सीक्वेंस होती है जीन की उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन वो पार्ट होता है जो mRNA बनाता है, कोडिंग पार्ट हो गया, ठीक है। आपको पता है कि mRNA जब बनता है प्यारे बच्चों तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, और ये जब अपने साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से निकल करके तो WBC तो बिल्कुल अवांछनीय गतिविधियां वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैक्रोफेजेस वगैरह, तो वो mRNA को देखती हैं, अपनी बॉडी में तो DNA दिखता है उनको, DNA कैसा है डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, mRNA देखते वो इस पर अटैक कर देती है, इसलिए बॉडी क्या करती है इसको अलग से पहचान देती है, इसके पांचवे एंड पर लगा देती है टोपी जिसे अपन क्या बोलेंगे कैप, जो किसकी बनी होगी 5-methyl guanosine की बनी होगी, तो ये अपने पास में होगी टोपी पांचवे एंड पर 7-methyl guanosine की बनी हुई, और 3' एंड पर 200 adenine डोल कर लगा देती है पूंछ जिसे अपन टेलिंग बोलते हैं, एडिनिन की पूंछ, और फिर इसको बाहर निकालती है। अब WBC समझ जाती है कि जो टोपी और पूंछ लगा करके आया है
वो कौन है mRNA, इसको खत्म नहीं करना है। क्लियर है बच्चों? अब ये प्रमोटर वो साइट होती है जहां से RNA पॉलीमरेज जुड़ता है और अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। क्लियर है बच्चों? तो अब देख लीजिएगा, ए में सेकंड है, बी में फोर है, सी में फाइव है, डी में वन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के अंदर अपने पास में बिल्कुल डायग्राम बना करके रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो अपने पास में कहा है, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक जीन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, फिल द ब्लैंक ए टू सी। अपने पास में जीन सैलिप्तता का महत्वपूर्ण सिद्धांत दर्शाया गया है और ए से सी को पूर्ति कीजिए। बच्चों डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, दैट मीन्स अपने पास में प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण से अब ये अपने पास में एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए से एमआरएनए बनना है, तो ये हो गया ट्रांसलेशन, जिसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, अनुलेखन। और ये प्रपोज किसने किया था, क्रिक ने। तो आंसर प्रतिकृतिकरण, अनुवादन, ट्रांसलेशन, अनुवादन, और अपने पास में फ्रांसिसी क्रिक ने इसको दिया था। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा। तो अब अपने पास में आगे की बात अपन करते हैं नेक्स्ट की। तो 11 के बाद में नेक्स्ट अपने पास में ये हिंदी मीडियम में अपने पास में थोड़ा सा अनुलेखन कर लेंगे इसको, ठीक है। अब अपने पास में 11 नंबर क्वेश्चन अपने पास में आता है, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन कैसे है, फॉलोइंग द स्ट्रक्चर डिनोट टू बेस पेयर ऑफ डीएनए, इन दिस स्ट्रक्चर नेम ऑफ टाइप ऑफ लेबल इज, ठीक है। डीएनए की आपको स्ट्रक्चर दी गई है, आप बॉन्ड के नेम को आपको इसमें लेबल करना है। पहले बच्चों ए बॉन्ड है, आपको पता है थायमिन डबल बॉन्ड द्वारा एडिनिन से जुड़ा होता है, बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? दूसरा बॉन्ड अपने पास में बच्चों बी बॉन्ड है, बी बॉन्ड में आपको पता है एक सुगर, सुगर किससे जुड़ी होती है, फॉस्फेट से, किसके द्वारा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा। किससे जुड़ी होती है, फॉस्फेट से, किसके द्वारा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा। प्यारे बच्चों एक एस्टर बॉन्ड ये, एक एस्टर बॉन्ड ये, दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे बच्चों, डाईएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएंगे, डाईएस्टर बॉन्ड, दोनों को मिलकर के क्या बोलेंगे, डाईएस्टर बॉन्ड। अब बच्चों अपने पास में ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये सुगर, नाइट्रोजन बेस पेयर और शुगर के बीच में बॉन्ड होगा वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अपने पास में ए वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, बी वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, सी वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और डी वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट आपसे पूछा है बच्चों, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस ऑफ वन हेलिक्स इज, एक हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए बेटा 34 एंगस्ट्रोम अपने पास में क्या होती है, एक हेलिक्स की डिस्टेंस होती है। इस तरह से अपने पास में डीएनए बनता है, ये एक हेलिक्स है, इसकी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर। 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आएंगे, एक नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रोम। क्लियर है बच्चों? तो अपने पास में आंसर थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में, और वो क्वेश्चन है, इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करता है। देखो बेटा आरएनए पॉलीमरेज तीन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। तीनों आपको याद होने चाहिए कि कौन किसको डिस्क्राइब करता है या कौन किसको अपने पास में ट्रांसलेट करता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट का पूछा है, तो 18 sRNA आ जाएगा बच्चों पॉलीमरेज। सेकंड जो है वो अपने पास में hnRNA बनाता है बच्चों, 5sRNA और snRNA पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है बच्चों, ठीक है। इसको मैंने इसलिए जानबूझ के डाला है क्योंकि कई बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि s वाला है वो थर्ड बनाएगा, लेकिन 18s वो मतलब एक 5s एक्सेप्शन आता है उसको थर्ड बनाता है, बाकी 18s को अपने पास में कौन बनाता है, पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये अपने पास में हो गया बच्चों, तो सेकंड आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको एक सीक्वेंस दी गई है, इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन ए जीन, ठीक है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द एमआरएनए फॉर्म्ड अगेंस्ट इट, देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द क्रोस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एंटीकोडोन विल बी, ठीक है। आपको कहा गया है एक जीन पर न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम यह है, अनुलेखन के पश्चात इसके विरुद्ध एमआरएनए निर्मित होता है, बिल्कुल सही बात है, उसके संगत प्रतिकोडोनों के बंधन में
क्षारों का अनुक्रम क्या होगा। इसका मतलब आपको mRNA का अनुक्रम बताना है और mRNA के बाद में किसका बताना है, tRNA के जो कोडोन होंगे उनका, एंटीकोडोन होंगे उनका। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आपको पता है DNA की दो स्ट्रैंड होती है, 3'-5', एक 5'-3'। mRNA के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है 3'-5', इसलिए आपको यही दी गई है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये दी गई होती तो आप ये सोचते कि टेम्पलेट क्या होगा, अब आपको डायरेक्ट टेम्पलेट दे दी तो अब आपको सोचना नहीं है, अब आपका mRNA बनेगा। और mRNA हमेशा कौन सी डायरेक्शन में बनता है बेटा, 5'-3'। जहां पर एडिनिन है वहां पर क्या आएगा बेटा, थाइमिन आएगा। लेकिन RNA में आपको पता है थाइमिन नहीं होता है, तो यूरेशियल होता है। तो जहां जहां एडिनिन वहां वहां यूरेशियल, थाइमिन की जगह कौन आएगा एडिनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह ग्वानिन, फिर CGC, और फिर अपने पास में कौन हो जाएगा बेटा, एक की जगह एडिनिन की जगह थाइमिन आना चाहिए लेकिन यूरेशियल आएगा, फिर अपने पास में एडिनिन और फिर यूरेशियल। तो ये अपने पास में सिक्वेंस किसकी हो गई, mRNA की। क्लियर है बच्चों? अब mRNA के अपोजिट कौन आएंगे, एंटीकोडोन। या तो आप बोल सकते हो भाई mRNA इसके अपोजिट है तो एंटीकोडोन इसके जैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके जैसे ही एंटीकोडोन आएंगे। लेकिन आप जानते हो कि RNA में थाइमिन नहीं होता है, क्या होता है अपने पास में, यूरेशियल। तो इसके जैसे ही एंटीकोडोन आएंगे तो यहाँ पर एडिनिन एडिनिन आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेशियल, GC, फिर GCG और फिर एडिनिन तो आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? और ये 3'-5' हो जाएगा। अब आंसर निकाल लोगे बच्चों, तो आंसर अब आप निकालते हैं, तो अपने पास में यू वाले दो ऑप्शन है, तो अब बिल्कुल सेम से ऑप्शन है, थर्ड में आ रहा है, तो सेकंड आंसर अपने पास में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो किस तरह से हुआ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन इज ए चैन इज टर्मिनेशन कोडोन। प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि अपने पास में तीन कोडोन ऐसे होते हैं जिनका कोई भी हमारे पास में क्या नहीं होता है, tRNA नहीं होता है, और उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेशन कोडोन। और वो कौन होते हैं, वो UAA, UAG और UGA। क्लियर हो गए बच्चों? तो अपने पास में अब यहां पर देख लीजिएगा, फोर्थ आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अपने पास में 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, RNA इंटरफेरेंस RNAi टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द नेमेटोड। इन दिस टेक्निक mRNA ऑफ नेमेटोड इज साइलेंस्ड बाय प्रोड्यूस --- बाय द होस्ट प्लांट। क्या कह रहा है, RNA अंतःक्षेपण तकनीक में पादप को निमेटोड से सुरक्षित करने के लिए विकसित की गई। बिल्कुल सही बात है, इस तकनीक में निमेटोड का mRNA को पोषी पादप द्वारा उत्पादित खालिस्तान से अवरोधित किया जाता है। बच्चों आपको बताइए जीन साइलेंसिंग है, और यूकैरियोट में जीन साइलेंसिंग तीन जगह हो सकती है, या तो आप DNA से DNA तो बनता ही नहीं है, उसकी तो बात जोड़ दो, या तो आपने क्या करे DNA से mRNA बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, और यह अपने पास में क्या होगी बेटा, ट्रांसलेशन लेवल पर। तो दो लेवल पर हम अपने पास में अवरोधित कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को अवरोधित करते हैं, क्या बना करके, सिंगल स्टैंडर्ड siRNA बना करके। ठीक है, डिजायर प्रोटीन वगैरह पूरी मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी कि दो अपने एंटीकोडोन और कोडोन सिक्वेंस डाल करके बनाते हैं। क्लियर है बेटा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट अपने पास में आता है, विच वन इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों का लक्षण नहीं है। प्यारे बच्चों अनुवांशिक रूपांतरित फसलें इसलिए बनाई गई है ताकि अपने पास में क्या कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने पास में पैदावार ले सके। तो ये एबायोटिक स्ट्रेस जैसे सूखे के प्रतिरोधी फसलें बनाई गई है, आप भी जानते हो जैसे अपने पास में बाजरा वगैरह, ज्वार वगैरह, तो ये है अपने पास में कीट प्रतिरोधकता होती है, पेस्ट रेजिस्टेंस अपने पास में। पहले तंबाकू बनाई गई थी जिसमें PCPIC जीन ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, कंटेन कैरेक्टर ओनली फॉर वेक्टर DNA, सिर्फ वाहक DNA युक्त लक्षण होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, खुद के लक्षण तो हमेशा रहेंगे ना भाई, तो भाग के ही लक्षण थोड़ी होंगे। तो इसका मतलब आंसर अपने पास में थर्ड हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कह रहा है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट
कंसिडर द गिवन स्टेप इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपसे कहा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये स्टेप है, आप पढ़ोगे तो ये सारी स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग की है बच्चों। जैसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिकेशन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जरूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, पहचान, ये भी सही बात है, पहचाने गए डीएनए को पोषी कोशिका में प्रवेश। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए ऑफ स्पेसिफिक पोजिशन बाय एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर अपने पास में कौन होता है, एंडोन्यूक्लियस काम आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग की नहीं है। अब जेनेटिक इंजीनियर में भी अंदर घुस गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबो आर नॉट स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सा आर डीएनए टेक्नोलॉजी का चरण नहीं है। बच्चों आर डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सिंपल सा होता है, आप होस्ट से जीन लाओ और अपने पास में वेक्टर लाओ, ठीक है, और एक एंजाइम से काटो और फिर अपने पास में आर डीएनए बना लो और उसको किस में डाल दो, होस्ट में डाल दो, इतनी है आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास में क्या है, ये तो अपने को जीन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये चरण हो गया उसका, लेकिन बैक्टीरिया से एंजाइम उसका चरण नहीं होगा, ठीक है। और अपने पास में सी तो अपने पास में है ही कि होस्ट में अपन डाल ही रहे, तो ये चरण हो गए। तो अब कौन से चरण नहीं हुए, बी डी और ई चरण नहीं हुए, तो अब ऑप्शन में देख लीजिएगा, डी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल सी बात है फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों, बी और ई। नेक्स्ट बात करते हैं, 20वां क्वेश्चन अपने क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा सही मिलान है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरियल पैथोजन इन क्रॉप, नहीं भाई रोग नहीं करता, रोग कारक नहीं है, ये तो नियंत्रक है। पीसीआर टेक्निक आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, आइडेंटिफिकेशन नहीं करती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन करती है, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसजेनिक कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है, प्रतिजैविक अपने पास में रेजिस्टेंस है, और ह्यूमन इंसुलिन जो है उसमें सी पेप्टाइड अपने पास में प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन में सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होती है, ए और बी दोनों पेप्टाइड प्रेजेंट होती है, मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होती है, ए और बी अपने पास में सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 21 क्रिस्टल प्रोटीन अटैक ऑन द इंसेक्ट एंड किल देम, दीज इंसेक्ट आर बिलोंग टू, क्रिस्टल प्रोटीन जो कीटों पर आक्रमण करती है और उनको मारती है, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो अपने पास में लेपिडो अपने पास में पेटरेंस है, डायप्टेरेंस है, कोलिप्टेरेंस है, तो इनको मारती है, तो चारों अपने पास में तीनों को मारती है बेटा, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा है, इफ ए डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन प्लाज्मिड पीबीआर 322, देन इट ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल इकोलाई एंड दीज बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड इन एगार प्लेट कंटेन एम्फिसिलिन, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अपने पास में यदि एक ऐच्छिक डीएनए को पीबीआर 322 की एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन पर लगाया गया, इसका मतलब एम्फिसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता उस प्लाज्मिड की खत्म हो गई, अभी किसकी खत्म हुई है बेटा, प्लाज्मिड की, ठीक है, प्लाज्मिड की अपने पास में एम्फिसिलिन प्रतिरोधकता खत्म हो गई, इसे पोषी कोशिका इकोलाई में स्थानांतरित किया गया। अब इस प्लाज्मिड को इकोलाई में स्थानांतरित किया गया और इन जीवाणु को एम्फिसिलिन युक्त एगार प्लेट पर स्थानांतरित किया जाता है, तब क्या होता है, तो देखो बच्चों हमने प्लाज्मिड में खत्म की, तो प्लाज्मिड में क्या हुआ, दो कंडीशन हुई, एक प्लाज्मिड जो एम्फिसिलिन जीन को लिया, तो उस प्लाज्मिड को तो अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेट, क्या बोलेंगे बच्चों, रिकॉम्बिनेट, एक प्लाज्मिड जो अपने पास में लिया ही नहीं उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेट, क्या बोलेंगे उसको, नॉन रिकॉम्बिनेट। तो अब बच्चों अपने पास में सिंपल सी बात है कि नॉन रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड में तो अपने पास में क्या है, एम्फिसिलिन है, और रिकॉम्बिनेट में नहीं है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेट तो वहां पर क्या करेगा, ग्रो करेगा, और नॉन रिकॉम्बिनेट वहां पर ग्रो नहीं करेगा, लेकिन प्लाज्मिड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब देखिएगा अब आगे क्या कह रहा है, अब इसमें से तीन कंडीशन बनती है बच्चों,
कि एक बैक्टीरिया तो ये प्लाज्मिड ले ले, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेट ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेट ट्रांसफॉर्मेंट। और एक कंडीशन क्या बनती है प्यारे बच्चों, कि इसको ले ले तो उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेट नॉन रिकॉम्बिनेट और ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और एक कंडीशन बनती है कि ले ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेट, ठीक है बच्चों। ये तीन कंडीशन है। अब अपने पास में तीन बैक्टीरिया, अब कौन सा जिएगा, जिसके पास में ये होगा नॉन रिकॉम्बिनेट वाला होगा वो क्या होगा, जिएगा वहां पर, और रिकॉम्बिनेट वाला क्या होगा, मरेगा, और जो नहीं लिया वो भी मरेगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है, बोथ ट्रांसफॉर्मेट एंड अनट्रांसफॉर्मेट बैक्टीरियल सेल विल डाई। नहीं भाई, सभी ट्रांसफॉर्मेंट डाई नहीं होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट तो ये भी है जो नॉन रिकॉम्बिनेट को ले रहा है, और ट्रांसफॉर्मेंट तो वो भी है जो रिकॉम्बिनेट को ले रहा है। तो जो रिकॉम्बिनेट को ले रहा है वो तो मर जाएगा, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट में आधी मर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेट रेसिपिएंट, मतलब जो रिकॉम्बिनेट को ले रहा है विल बी डाई, बिल्कुल सही बात है, एंड नॉन रिकॉम्बिनेट रेसिपिएंट विल बी ग्रो, तो ये बिल्कुल सही बात है, और ऑल ट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट विल बी ग्रो, नहीं, और अपने पास में बोथ ग्रो कोई चांस ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा क्या है कि वर्ड्स के अंदर थोड़ी सी ज्यादा मारामारी है, इसलिए अब हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो बेटा, अपने पास में क्या किया, हमने एक प्लाज्मिड था, यहाँ पर वांछित जीन डाल दी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पुनर्योगज। क्या बोलेंगे इसको, पुनर्योगज। और जिसमें नहीं डाली वो अपने पास में क्या कहलाएगा, अपुनर्योगज। क्या कहलाएगा, अपुनर्योगज, ठीक है। अब इसको बैक्टीरिया में डाला, तो बेटा एक बैक्टीरिया ने ये ले लिया, एक बैक्टीरिया ने ये ले लिया, दोनों ही बैक्टीरिया कैसे हैं, रूपांतरण है, ठीक है। बस एक ने लिया पुनर्योगज रूपांतरण, और एक क्या होगा, अपुनर्योगज रूपांतरण, और जो लेगा नहीं वो क्या होगा, वो अरूपांतरित बैक्टीरिया। क्या होगा बेटा, अरूपांतरित बैक्टीरिया। अब हम इन्हें एम्फिसिलिन पे डालेंगे, तो ये मरेगा अरूपांतरित, बिल्कुल मरेगा, और ये भी मरेगा साहब, क्योंकि इसमें अपने पास में जीन इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ हुआ है, तो ये भी मरेगा। जिएगा कौन, ये, तो रूपांतरित में आधे मर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, तीसरा और चौथा ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से अपने पास में ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आपसे पूछा है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर अपने पास में किसको स्थानांतरण, डीएनए को स्थानांतरण साउथर्न ब्लॉटिंग कहलाती है, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड है, वेस्टर्न प्रोटीन से रिलेटेड है। वीएनटीआर की जो साइज होती है बेटा वो 0.2 से अपने पास में 10 के लगभग होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में बनाया, तो ये राइट है, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज नॉट इंक्लूड एज कैरेक्टर ऑफ वैक्टर, कौन सा वाहक के लक्षण के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। सिंपल सी बात है बेटा, देखो एबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर अपने पास अभी इसमें पूछा है कि क्या क्या है, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टिव मार्कर, बहुत अच्छा होता है कि अपने पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और एक एंजाइम मार्कर हो, तो सबसे अच्छा अपने पास में वाहक होता है, तो ये हमारे पास में सही है। प्रेजेंस ऑफ ओआरआई, ओआरआई होगी तो अपने पास में प्रतिकृतिकरण करेगा, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। कैन प्रोड्यूस ए प्रोटीन विच डिग्रेड होस्ट सेल, परपोसी की कोशिका को अपघटित करने योग्य प्रोटीन, भाई क्या परपोसी को मारना है क्या उसमें ट्रांसफर करके, नहीं, हमें तो उसको ग्रो करवाना है, तो ये अपने पास में कैरेक्टर नहीं है। सुटेबल साइज तो हम लेते ही हैं, तो अपने पास में थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यू सस्पेक्ट योर पेशेंट टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बैक्टीरियल डिजीज, हाउ आर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द पेशेंट बॉडी इज वेरी लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प यू डिटेक्ट दिज पैथोजन इन लैबोरेटरी, ठीक है भाई। आप यहाँ से दिस क्वेश्चन तो आप पढ़ी लोगे, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, अपने पास में बहुत कम अमाउंट है, तो अपने पास में एंटीजन का कम अमाउंट होता है ना, तो अपने पास में उसको हम किससे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं पीसीआर से। बहुत कम अमाउंट पे पीसीआर का काम क्या है, एम्पलीफिकेशन, तो ये एम्पलीफिकेशन कर देगी और हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, तो पीसीआर से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट की बात आती है, हाउ मैनी फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कितने सही सुमेलित है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसिस, बिल्कुल सही बात है, ट्यूबर पैदा करता है।
पीबीआर 322 एंजाइम नहीं है, एक वाहक है, एक वेक्टर है, थर्मस एक्टिवेटर्स बीटी जीन नहीं निकलती इससे, अपने पास में टैग पॉलीमरेज निकाला था बेटा, लाइगेज प्लाज्मिड नहीं है, डीएनए वो एंजाइम है जो जोड़ने का काम करता है, और हिंड सेकंड मॉलिक्यूलर सीजर है, बिल्कुल आणविक कैची है, एनसीआरटी भी लिखती है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम आर द मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो अपने पास में कितने मिसमैच हैं बच्चों, 3 मिसमैच हैं, तो सेलेक्ट राइट ऑप्शन, इसमें आपको करेक्टली मैच पूछा है तो 2 करेक्टली मैच हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो अब आती है अपने पास में, इट इज बेनिफिशियल टू हैव इंसुलिन बाय बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित इंसुलिन लाभकारी होता है क्योंकि यह होता है सस्ता होता है बेटा। पहले के जमाने में आपको पता है कि कैटल से निकाला जाता था तो सब लोगों को मिलता नहीं था कि तो इतने तो आप जीव मारोगे नहीं कि रोजाना सबको इंसुलिन पैदा करवा दो, तो कैटल से निकाला जाता था तो अपने पास में वो क्या करता था, महंगा भी होता था, ये लैक्स एक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है, सही बात है, वो एलर्जी करता था क्योंकि जानवर का बनाया हुआ होता था, ये आर्टिफिशियल बना हुआ एलर्जी नहीं करता है, और ये अपने पास में हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं एली लिली द्वारा, तो अपने पास में सारी चीजें सही है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पूरा प्लाज्मिड पीबीआर 322 को मैंने इसके अंदर कवर्ड कर लिया है बच्चों, तो पीबीआर 322 आपका पूरा कवर्ड है। हाउ मैनी स्टेटमेंट आर राइट अबाउट द गिवन फिंगर, ठीक है, कितने सही है, तो देखिएगा बच्चों, पहला है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कंटेन्स सल्फर्स्ट एंड बाम फर्स्ट रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम साइट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से अपने पास में टेट्रासाइक्लिन होती है और उस पर एक तो होती है बाम फर्स्ट की और एक अपने पास में सल्फर्स्ट की होती है, ठीक है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पीएसटी फर्स्ट और पीयूवी फर्स्ट की रखती है, बिल्कुल सही बात है। पीबीआर पर टोटल 8 रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की साइट है बेटा, आप गिन लेना एनसीईआरटी में, बिल्कुल है, और ये दोनों एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट भी है, और इट कंटेन्स सिंगल ओआरआई, एक ओआरआई भी इसके अंदर उपस्थित होती है, तो पांचों के पांचों पॉइंट पीबीआर के लिए सही है बच्चों, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है द फर्स्ट रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज डिस्कवर्ड वाज, फर्स्ट जिसको डिस्कवर्ड किया गया वो था बेटा हिंड सेकंड, और फर्स्ट सेपरेट किया गया वो कौन था, एक ओआर फर्स्ट, तो अपने आंसर जाएगा, एनसीईआरटी बाकायदा लिखती भी है इसको, तो अपने पास में फर्स्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रेस्ट्रिकेशन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी की लाइन है, 900 आंसर चला जाएगा। फोर, नेक्स्ट पे आ जाओ, 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोआर फर्स्ट, आपको पता है रेस्ट्रिकेशन साइट जो होती है वो कौन सी होती है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, और पैलेंड्रोमिक का मतलब क्या है, 3-5 पढ़ो, 5-3 पढ़ो, अपने पास में एक ही आएगी, तो GAA TTC, तो अपने पास में उसकी साइट यही होती है बेटा, GAA TTC, यहां पर आकर के कट लगाता है, इसके अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा, GAA TTC, तो ये अपने पास में हो गई किसकी, इकोआर फर्स्ट की, चिपचिपे एंड उत्पन्न करेगा, स्टिकी एंड उत्पन्न करेगा, आंसर फर्स्ट चला जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर रेफर टू एनसीईआरटी में, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है आपके जहां पर रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दिए हुए कि रेस्ट्रिकेशन एंजाइम आर मॉलिक्यूलर सीजर, तो अपने पास में भी हम रेस्ट्रिकेशन एंजाइम को देंगे, अगर ज्यादा प्रिफरेंस हम आगे तक देते हैं तो हम रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज को मेनली मानते हैं, लेकिन अपने पास में क्या है, अपने एनसीईआरटी रेस्ट्रिकेशन एंजाइम के लिए रखती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया। नेक्स्ट अपन बात करें, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू, निवेशी निष्क्रियता किससे संबंधित है, बच्चों अभी मैंने एक बात बताई थी, अपने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि एम्फिसलिन की रेजिस्टेंस जीन पर हमने क्या कर दिया, हमारा जो आरडीएनए था वो इंसर्ट कर दिया, तो हमारा आरडीएनए जैसे ही इंसर्ट किया वैसे ही एम्फिसलिन की जीन ने काम करना क्या हो गया, बंद कर दिया, क्योंकि वो जीन वहां से क्या हो गई, हट गई, तो उसको अपन इस प्रोसेस को जो वो काम करना बंद कर देती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट मतलब अपने पास में किस में जीन ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है उसको पहचानने में हेल्प करती है, फोर्थ आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्रेसिपिटेशन और प्योरिफाइड डीएनए,
डीएनए के विलगन के दौरान शुद्धिकरण डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता ही है, ठंडी दारू चिल्ड इथेनॉल में अपने पास में डीएनए को डालते हैं तो डीएनए क्या हो जाता है? परसिपरेट हो जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एंजाइम डेफिशिएंसी विल बी लीड टू डिजीज कॉल्ड एससीआईडी सर्वाइव कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, जो है वो अपने पास में किसके होती है बेटा? अपने पास में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से होती है। और एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए आपको पता है जीन थेरेपी की जाती है। और सबसे पहले जीन थेरेपी अपने पास में 4 साल की बच्ची में 1990 में की गई थी। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और बच्चे की अपने पास में अर्ली स्टेज में क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। ठीक है, अब अपने पास में नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ बीटी टॉक्सिन किल द टारगेट इंसेक्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन प्लांट्स। ठीक है, कैसे बीटी विष कपास के पादप की सुरक्षा के लिए लक्ष्य कीटों को नष्ट करता है? आपको पता है कि बीटी टॉक्सिन जो होता है ये क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है, और क्राई प्रोटीन जो होती है वो इंसेक्ट की मिडगट से जुड़ करके बेटा और उसमें अपने पास में क्या बना देती है, होल बना देती है और उसमें पानी भर जाता है जिससे आंत फट जाती है और अपने पास में इंसेक्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर मिडगट ही क्यों फटती है? क्योंकि बच्चों आपको पता है इंसेक्ट, आपने कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको सर ने बताया होगा कि फोरगट और हाइंडगट में काइटिन जमा हुआ रहता है। ठीक है, काइटिन की बनी होती है तो काइटिन पे तो क्या असर कर लेगा? काइटिन तो एक सबसे हार्ड सब्सटेंस है, डेड सब्सटेंस है, तो उस पर तो असर कर नहीं सकता। तो मिडगट पर अपने पास में असर होता है, तो मिडगट सेल स्वेल एंड लाइसिस, तो अपने पास में फर्स्ट आंसर हो गया। 37, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी बनाई गई थी बेटा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन मिल्क प्रोटीन इन रिच मिल्क। ठीक है, तो अपने पास में प्रथम प्राजीनी काउ जो थी वो रोजी थी और अपने पास में ह्यूमन मिल्क की प्रोटीन जो थी अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये इसके अंदर डाली गई थी। प्यारे बच्चों क्या होता है कि अभी अब आज के जमाने में क्या बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि भाई किसी की मदर वगैरह जो होती है प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम पर एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है और आजकल नॉर्मल गाय का दूध ही पिला देते हैं। लेकिन अपने पास में ये ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई थी, तो अपने पास में जिसमें माँ की दूध की प्रोटीन थी जिससे कि विकास अच्छा हो सके। लेकिन गाँव में या अपने कई जगहों पर रोजी हर जगह तो मिल सकती नहीं है, तो हम नॉर्मल गाय का दूध पिला देते हैं। भैंस की अपेक्षा तो वो भी अच्छा होता है क्योंकि अपने प्रोटीन जो होता है उसकी थोड़ी सी कैलोरी वगैरह थोड़ी लो होती है, तो रोजी काऊ अपने पास में बनाई गई थी ट्रांसजेनिक। ठीक है, ऐसे ही शिप वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। अब आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजीन कोडेडेड फॉर द प्रोटीन कैन विच कंट्रोल कॉर्न बोरर इफेक्टिवली। तो प्यारे बच्चों अपने पास में कॉर्न बोरर की बात करें तो अपने पास में कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट ए बी होती है। ठीक है, तो अपने पास में क्राई फर्स्ट ए बी जो है वो किसके लिए है बच्चों? कॉर्न बोरर के लिए। और क्राई फर्स्ट ए सी और सेकंड ए बी है ये कॉटन बोलवर्म के लिए है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो थर्ड हो गया, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, याद आपको रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है? तो आपसे पूछा है इंसुलिन के बारे में। प्यारे बच्चों आप जानते हो, मैं उसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ। हमने क्या किया, इंसुलिन को देखा तो इंसुलिन जो है प्रो इंसुलिन जो अपने पास में पैंक्रियाज में बनता है उसके अंदर अपने पास में क्या थी, 3 पेप्टाइड थी, ए बी ए सी और बी, ऐसे थी, ये ए थी ये सी थी ये बी। जब ये मैच्योर होता है तो इसमें 2 रह जाती हैं, ए और बी, सी गायब हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस इंसान वैज्ञानिकों ने देखा और वो आर्टिफिशियल इंसुलिन बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ए वाली जीन को अलग बैक्टीरिया में डाला जिसको इकोलाई ए बोला और बी वाली जीन को अलग बैक्टीरिया में डाला जिसको इकोलाई बी बोला। तो इससे ए पेप्टाइड बनाई, इससे बी पेप्टाइड बनाई और फिर आर्टिफिशियली बाहर उनको क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ा और फिर वो बना जो अपने पास में क्या बना, आर्टिफिशियल इंसुलिन बना। क्लियर है, तो अपने पास में प्रो इंसुलिन हैज ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, सही है। प्रो इंसुलिन जो है अपने पास में नीडेड टू बी प्रोसेस
एंड बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हार्मोन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सी पेप्टाइड आर प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, नहीं, मैच्योर इंसुलिन में अपने पास में सी पेप्टाइड नहीं होती है। तो बच्चों अपने पास में आंसर जो है थर्ड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर आर डिजाइन फॉर, स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर निम्न में से किसके लिए बनाए गए हैं? तो बच्चों सिंपल सी बात है, स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर आपके दो दे रखे हैं और ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इसके लिए बनाए गए हैं, लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये एक बायोरिएक्टर का क्वेश्चन डालना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए खंडों को पृथक्करण करने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्यारे बच्चों आ जाइए, अब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में आप जानते हो एक मशीन होती है, इसमें जेल भरा होता है जो कहां से आता है, सीवीड से आता है, जिसे एग्रोज जेल अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ से डीएनए डाला जाता है, यहाँ मान लो कि डीएनए डालते हैं, उधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब डीएनए साइज के अकॉर्डिंग और चार्ज के अमाउंट के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या होता है, सेपरेट होता है। स्मॉलेस्ट डीएनए खंड दूर जाता है और लार्जेस्ट क्या होता है, पास होता है। आप सिंपल सा एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपके कमरे में दो गेट हैं और उसमें एक ऐसे जेल लाइक सब्सटेंस गोंद भर दिया और आपको कहें कि इसके पार होकर के निकलो, छोटा बच्चा होगा ना वो जल्दी से निकल जाएगा क्योंकि उसको कम मात्रा में फोर्स लगाना होगा, और बड़ा बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो अब इसी के अंदर अपने पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टूवर्ड एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मैट्रिक्स, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज द्वारा पैदा किया जाता है, उसके प्रभाव में एनोड की तरफ गति करते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज मैटर एगरोज जेल है, एगरोज जेल अपने पास में यूज किया जाता है, सही है। डीएनए फ्रेगमेंट रिजोल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही बात है, साइज के अकॉर्डिंग बड़ा बड़ा पीछे फिर छोटा फिर छोटा, जितनी ज्यादा साइज होगी उतना ही चार्ज ज्यादा आएगा बेटा, उतना ही प्रेशर अपने पास में ज्यादा और कम लगेगा, तो ये अलग होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। द लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट मूव रैपिडली, नहीं, धीरे मूव करता है, रैपिडली मूव नहीं करता, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में बात करते हैं, एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंड यूज टू डिटेक्ट बी, ठीक है। एलाइजा ए पे आधारित है और बी को पहचानने में काम करता है, तो आपको पता है कि ए पे आधारित है, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। एलाइजा एड्स का टेस्ट होता है बच्चों, आप जानते हो, और एंटीजन एंटीबॉडी की अपने पास में क्रिया पर आधारित होता है, कि एंटीजन अपने पास में एंटीबॉडी की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एग्लूटेशन। तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया पर आधारित होता है, एग्लूटेशन भी लिख के दे सकता है यहाँ पर, तो उसके ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर अपने पास में जाना मत। तो एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन पर आधारित होता है और प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, ठीक है भाई, अपने पास में प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, वो अपने पास में क्या है, मैच द फॉलोइंग इंसेक्ट विच आर किल्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, लेप्टोरन, डेप्टेरन और कोलेप्टेरन, ये अपने पास में ग्रुप है, और अपने पास में टोबेको बालवर्म जो है वो अपने पास LCD बोल सकते हैं इसको, LCD टोबेको बालवर्म अपने पास में इसमें आता है, टोबेको बालवर्म, ठीक है, और अपने पास में आर्मी वर्म भी इसमें आ जाता है, ठीक है। फ्लाइज जो होती है वो डेप्टोरन में आ जाते हैं, बीटल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, मॉस्किटोज इसके साथ आ जाते हैं, तो इनको अपने पास में मैच कर लीजिएगा तुम, ठीक है। तो फ्लाई और मॉस्किटो जो है वो डेप्टोरन में आ जाते हैं, फ्लाई और मॉस्किटो किसमें आ जाते हैं, डेप्टोरन्स में, और ये बीटल्स में आ गए, क्योंकि आपने डिप्टेरा पढ़ा है ना, हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, तो हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है तो वो इसमें आ जाते हैं, तो इसको अगर अपन मैच करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, कि पहले आर्मी वर्म और फिफ्थ, थर्ड और फिफ्थ, तो आंसर अपने पास में फोर्थ, क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर, आपको मिसमैच पेयर पता करना है, तो लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिजोल्व करता है, सही बात है। काइटिनेज फंगस की सेल वॉल को डिजोल्व करता है, सही बात है। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल को डिजोल्व करता है, सही बात है। चिल्ड इथेनॉल होता है वो डीएनए को प्रसिपरेट करने का काम करता है, वो प्रोटीन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो आंसर फोर्थ। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों,
45 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रिपेयर्ड इन 1997 देयर मिल्क कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन मिल्क प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो अपने पास में जो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन है उसको अपने पास में ये बनाती है और उसका नाम क्या है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, ताकि वो बच्चे जिनकी मदर एक्सपायर हो जाती है उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड द सर्विस डिफाइंड डेफिनेशन गिवन बाय। जैव प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक विज्ञान जीवों की कोशिका उनके भाग एवं आणविक विषमजात का समावेश किया जाता है जिसके द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद एवं मानव सेवा प्रदान की जा सकती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, एनसीईआरटी की परिभाषा है, यूरोपीय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 47 में, द टर्म बी एंड आर इन द नेम ऑफ पीबीआर 322 रिप्रेजेंटेड। ठीक है, पीबीआर 322 में बी और आर दोनों किसके नाम है बेटा, बोरियर और रोंडिगियर अपने पास में साइंटिस्ट के नाम है, तो दोनों ही अपने पास में नेम ऑफ साइंटिस्ट है। पी फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बोरियर और रोनिगर, और 322 नंबर पर इसको बनाया था। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, द नेम ऑफ इकोआर फर्स्ट रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कम फ्रॉम, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है, इकोलाई स्ट्रिया कोलाई RY1/3 से इसको दिया गया है। आपको कैसे दिए जाते हैं, वो रूल होते हैं, पहला जीनस का नाम, दो स्पीसीज से, और कौन से टाइम पर उसको सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इको आर और आर यह अपने पास में बीच में क्या आ जाती है, स्ट्रेंथ, तो उसके हिसाब से। ठीक है बेटा, हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको बॉलवर्म के लिए पूछा है, तो बॉलवर्म के लिए अपने पास में कौन सी हो जाएगी बच्चों, अपने पास में क्राई फर्स्ट एसी और अपने पास में क्राई सेकंड एबी, और कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट एबी। तो आंसर जो है बच्चों अपने पास में वो कौन सा हो जाएगा इसमें, फोर्थ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अपने पास में क्या कर रहा है, सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाई एगोरस जेल विच हेल्प इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज एग्रोज जेल एक्सक्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, एग्रोज जेल को कहाँ से निकाला जाता है, तो सी वीड से निकाला जाता है बेटा, समुद्री खरपतवार से निकाला जाता है। तो आंसर अपने पास में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया, जिसमें भूरी सहवाल वगैरह आते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज यूज इन क्यूर ऑफ एम्फिसाइमा डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में एम्फिसाइमा के अपने पास में उपचार में, एम्फिसाइमा एक बच्चों में होने वाली डिजीज है जिसमें लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा, एल्विलाई की पट्टी होते हैं, घुल जाते हैं और श्वास लेने में प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो है वो एम्फिसाइमा के निदान के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डीएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। आपको पता है डीएनए फ्रेगमेंट जो रेडियो एक्टिव धर्मी युक्त बनाया जाता है उन्हें डीएनए प्रोब बोलते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज आते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 53 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला है, एक न्यूक्लिक एसिड द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, किस किस के बीच में पूछ रहा है, सरकरा के हाइड्रोक्सिल समूह और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बीच, मतलब फॉस्फेट के बीच में, तो एस्टर बॉन्ड होता है। तो बच्चों ये तो अपने पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल टाइप ऑफ पिरिमिडिन आर प्रेजेंट इन डीएनए व्हाइल ओनली वन टाइप ऑफ पिरिमिडिन इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो ये भी अपने पास में रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि ऑल टाइप दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ऑल टाइप तो किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सॉरी, क्योंकि ऑल टाइप अपने पास में पिरिमिडिन के कौन है, एडेनिन, वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसियल, तो ये तीनों तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं किसी में। अकॉर्डिंग टू वॉटसन क्रिक मॉडल डीएनए कंसिस्ट टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड दोज आर एंटी पैरेलल। इसमें पैरेलल लिखा हुआ है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट है इन ए न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फेट मोइटी लिंक देन 3- कार्बन ऑन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू 5- कार्बन ऑफ शुगर ऑफ सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लिक अम्ल की एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के 3- कार्बन से और दूसरे के 5- कार्बन से बनता है, तभी तो जाकर के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये अपने पास में क्या है बेटा, सही है, क्योंकि ये समांतर नहीं है, प्रतिसमांतर होते इसलिए रॉन्ग हो गया। वो आपको पता ही है कि क्यों रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, ये एस्टर बॉन्ड होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये भी अपने पास में हो गया 4 नंबर आंसर। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बिलोंग टू द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के लिए कौन सा कैरेक्टर है? मैक्रोबायोमोलिक्यूल है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं क्योंकि पॉलीमर है। नाइट्रोजन बेस पेयर आर होमोसाइक्लिक, नहीं बेटा हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है भाई, अपने पास में रिंग में ऑक्सीजन होता है इसकी वजह से हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, समचक्रीय नहीं विषमचक्रीय होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, पेंटोज शुगर होती है, सही बात है, तो ए सी और डी अपने पास में सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर कैन क्लोन द लार्जेस्ट एलियन डीएनए। सबसे बड़ा आपको पता है ये क्रम होता है प्लाज्मिड, फिर फाजमिड, फिर वाक और फिर याक। इष्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सबसे बड़ा वाक है जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया गया। 55 के बाद 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो भोजन उत्पादन की वृद्धि के बारे में सोचता है। तो अब भोजन उत्पादन की वृद्धि करनी है तो आपको एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर भी करनी है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करनी है और जेनेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर भी करनी है। इसका मतलब सारी चीजें अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 57 क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट रोजी काउ। फिर एक रोजी काउ का क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही बात है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन अपने पास में जीन इसमें इंट्रोड्यूस्ड कराई गई, बिल्कुल सही बात है, और लास्ट क्या है, रोजी काउ का दूध सामान्य काउ से कम गुणवत्ता का होता है। नहीं बेटा, लेस क्वालिटी नहीं, हाई क्वालिटी होता है। तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन अबाउट रेस्ट्रिकेशन एंजाइम। ये आपको रेस्ट्रिकेशन के बारे में बता रहा है कि क्या गलत है। तो पहला है कि ये केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ओनली प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही बात है, यूकैरियोट में कोई भी रेस्ट्रिकेशन एंजाइम नहीं होता है, सारे रेस्ट्रिकेशन एंजाइम प्रोकैरियोट में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। बैक्टीरिया क्यों रखता है बेटा, क्योंकि बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से खुद की क्या करनी होती है, सुरक्षा। They bind to DNA with the help of recognized sequence and cut each of the two strand of double helix specific position of backbone. बिल्कुल सही बात है, DNA से bind होते हैं और उसको specific position से bind होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, restriction site बोलते हैं, और अपने पास में वहां पर क्या करते हैं, cut लगाते हैं, ठीक है, तो अपने पास में विशिष्ट बिंदुओं से bind होते हैं, restriction site से। फिर क्या कर रहा है, till now more than 230 रेस्ट्रिकेशन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 900 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। भाई 230 से अधिक बैक्टीरियाओं से अभी तक 900 से अधिक अपने पास में रेस्ट्रिकेशन एंजाइम पृथक किए जा चुके हैं, ठीक है। फिर इसमें दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर गलत क्या आया, गलत दोबारा से आप पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, 230 रेस्ट्रिकेशन एंजाइम नहीं, 230 बैक्टीरिया स्पीसीज है और रेस्ट्रिकेशन एंजाइम कितने हैं, 900। तो आंसर अपने पास में क्या होगा बेटा, 3rd होगा। क्लियर है? तो अपने पास में आगे आ जाते हैं 58 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस। पैलेंड्रोमिक सिक्वेंस में क्या होता है बेटा, इधर से पढ़ो और इधर से पढ़ो, सेम सीक्वेंस आएगी, जैसे GAA TTC GAA TTC पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, GCC GCC पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, GAA GATATC GATATC पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, AAGG नहीं है,
तो अपने पास में सिंपल से पहचानो, आगे जाओ पढ़ते हुए वापस आओ, सेम सीक्वेंस आ रही है, दैट मीन्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कोडोन फॉर ऑलवेज कोडिंग ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड इज कॉल्ड, कोडोन की वफा क्या कहलाती है। ठीक है भैया, अपने पास में प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन, प्रोटीन की वफा क्या कहलाएगी, एम्बिगेंस कहलाएगी, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, फोर। भाई प्रोटीन की वफा के बारे में पूछा है, तो प्रोटीन की वफा क्या कहलाएगी, एम्बिगेंस कहलाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन की वफा अपने पास में कहलाती है एम्बिगेंस, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो 61 क्वेश्चन अपने पास में आता है बच्चों, तो देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, देखो बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको पता है ग्रिफिथ ने दिया, आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाते हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मैकार्ट मैकेरी द्वारा किया गया था, तो वो आपसे पूछा नहीं है, तो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अपने पास में देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 62 कह रहा है अपने पास में, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड ट्रांसजेंटली विद टर्मिनेटर फैक्टर रो एंड इनिशियल फैक्टर सिग्मा 2। देखिएगा अनुलेखन प्रक्रिया के दौरान आरएनए पॉलीमरेज समापन कारक सिग्मा और प्रारंभिक समापन कारक रो और प्रारंभिक कारक सिग्मा के साथ अस्थायी रूप से जुड़ता है, तो ये समापन कारक रो है ये क्या करेगा, अनुलेखन का समापन, तो अपने पास में टर्मिनेट और जो अपने पास में सिग्मा फैक्टर है जो इनिशिएट करेगा, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है कि कौन क्या करेगा। क्लियर है बच्चों, अब हमारे पास में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपने पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है, असत्य कथन को आपको पढ़ना है, स्टिकी एंड फैसिलिटेटेड द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज एंजाइम को सहायता प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, जोड़ने का, और चिपचिपे एंड भी अपने पास में क्या करेंगे, जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, तो ये सही बात है। रिकॉम्बिनेट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम, बिल्कुल सही बात है, पुनर्योगज डीएनए में आप दूसरे किसी का डीएनए अपने पास में मिक्स करोगे, फिर ईच रेस्ट्रिकेशन एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ये भी बिल्कुल सही बात है, हर रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काटता है, कुछ एक आधे एक्सेप्शन होते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन ये अपने पास में सही है। अब इसके बाद में कह रहा है रेस्ट्रिकेशन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिकेटिंग ग्रोथ टू बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, प्रतिबंधित एंजाइम जीवाणु भोजी में जीवाणु की वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रोंग हो गया, क्यों, क्योंकि जीवाणु की अंदर जीवाणु भोजी की ग्रोथ को ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिकेट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिकेट करते हैं, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 64, कंसिडर द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिलिन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ह्यूमिलिन के निर्माण के संदर्भ में नीचे दिए गए पदों पर विचार कीजिए और सही अनुक्रम को अपने पास में हमें छांटना है। तो देखो बेटा पहले हमें क्या करना था, पहले हमें इंसुलिन की जीन लाना था, तो इसका मतलब पहले हमने इंसुलिन की जीन ली, आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया, उसकी पहले प्रोटीन को पढ़ा, फिर उसकी जीन को सिंथेसिस किया, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाए गए थे, फिर अब अपन ने क्या किया, इस जीन को अपने पास में किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्शन कराया, तो अपने पास में जीन को प्लाज्मिड के अंदर प्रवेश कराया, अब प्लाज्मिड में जीन चली गई, फिर इस जीन को कहां पर आपको प्रवेश कराना है, बैक्टीरिया के अंदर, तो अपने पास में प्लाज्मिड के अंदर इंसर्शन ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू प्लाज्मिड हो गया, अब इस जीन को अपने पास में किसके अंदर कराना है, रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर ले गए, क्लियर है पांचवी स्टेप, फिर इस रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर ले गया, अब अपने पास में बैक्टीरिया को क्या करवाया बेटा, कल्चर करवाया, तो बैक्टीरिया को कल्चर कराया, कल्चर रिकॉम्बिनेट इकोलाई को, अब उसके अंदर अपने पास में क्या हुआ,
कि कल्चर कराने से जो हमें रिकॉम्बिनेट प्रोडक्ट मिला उसको निकाला और फिर हमने इंसुलिन का प्योरिफिकेशन किया। इस तरह से स्टेप की फर्स्ट के बाद में फोर्थ फिफ्थ सेकंड और सिक्स और थर्ड, ये वाला अपने पास में फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड द चूज द करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज किसके द्वारा खोजा गया? तो हम देखिएगा बच्चों, अपने पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? एलेक जेफरी ने की। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज अपने पास में और पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो थी इसकी खोज किसने की? कैरी मूलस ने की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज किसने की? कोयलर और मेलिस्टेन ने की, और आर्बर ने रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज की खोज की। तो अब इसको मैच कर लीजिएगा, ए में आर है, बी में एस है, सी में अपने पास में क्या है बेटा? क्यू और पी। फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस हाउ मैनी अकर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब यूकैरियोट की बात हो रही है बेटा, मतलब न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए कहां पर बनता है? न्यूक्लियस में। आरएनए की स्प्लाइसिंग कहां होती है? न्यूक्लियस में, क्योंकि एमआरएनए टोपी और पूंछ लगा करके बाहर आता है न्यूक्लियस से डब्ल्यूबीसी के पास में। आरएनए की कैपिंग कहां होती है? न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस में। और डीएनए आरएनए टेलिंग कहां होगा? न्यूक्लियस में। तो कुल मिलाकर के पांच प्रोसेस अपने पास में कहां हो गए? न्यूक्लियस के अंदर। 66 के बाद में क्वेश्चन नंबर 67, इल्यूशन अपने पास में आपको पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस जो होती है मशीन, उसके अंदर डीएनए के टुकड़ों को अपने पास में चाकू द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा? छालन या इल्यूशन कहलाता है। तो अपने पास में सेपरेशन द डीएनए फ्रेगमेंट ऑन एरागोजोल, डीएनए खंडों का पृथक्करण, ठीक है पहली बात। स्टेनिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विद इरिथ्रीडियम ब्रोमाइड, ये इल्यूशन नहीं है, ठीक है, स्टेनिंग अपने पास में इल्यूशन नहीं है। कटिंग आउट ऑफ द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द एग्रोजेल एंड एक्सक्रेटिंग देम फ्रॉम द जेल पीस, ये अपने पास में इल्यूशन है। एग्रोजेल से पृथक डीएनए की पट्टियों को काटना और जेल टुकड़े को निष्कासित करना क्या कहलाता है? इल्यूशन कहलाता है। क्लियर है बेटा बात? 68, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। अब बेटा आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो फुल फॉर्म है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है और ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, जीएसी की पूछ भी चुके हैं। जीएसी एक कमिटी है जो अपने पास में डिसाइड करती है कि कौन सी चीज का पेटेंट विदेश में कोई लोग करवा तो नहीं लिए अपने किसी चीज का, जैसे नीम और अदरक वगैरह का करवा लिया था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बिल्कुल सही बात है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। आरएफएलपी, रेस्ट्रिकेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोरफिज्म, बिल्कुल सही बात है, डीएनए फ्रेगमेंटिंग में काम आती है। एचजीपी, ह्यूमन ग्रोस प्रोडक्टिविटी नहीं होकर के क्या होती है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 69, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट मैच, असुमिलित युग्म को पहचानिए। बिल्कुल सही है, अपन पहचानते हैं ह्यूमिलिन जो है फर्स्ट थेरेप्यूटिक आरडीएनए प्रोडक्ट अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। बिल्कुल सही बात है, शायद दुनिया में पहला ही प्रोडक्ट अपने पास में ह्यूमिलिन आया था आर्टिफिशियल इंसुलिन के फॉर्म में, तो यह सही बात है, स्वीकृत किया गया। फिर अपने पास में आरएनएआई जो इंटरफेरेंस है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अपने पास में नेक्स्ट है रोजी, ट्रांसजेनिक सिप नहीं होकर के क्या थी? ट्रांसजेनिक काउ थी, तो ये गोल्ड हो गया। अपने पास में नेक्स्ट है गोल्डन राइस, विटामिन ए इन रिच राइस, बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए से अपने पास में रिच जो है वो सुनहरे चावल को हमारे पास में बनाया गया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं 70, तो कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, कंसीडर द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको डायग्राम पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर का आंसर देना है, ठीक है। पहला पूछा है व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड विद लीडिंग स्ट्रैंड। देखो बेटा लीडिंग और लैगिंग दो होती है, हिंदी में अपन बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग, इसमें लिख रखा है तो ये कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपने पास में लीडिंग और लैगिंग दो स्ट्रैंड होती है, लीडिंग अपने पास में जो कंटिन्यू चलती है वो लीडिंग है, बस इसमें आपके काम की चीज यही है कि पहचानना है आपको कि कौन सी है, और ये जो डिसकंटिन्यू चलती है ये कौन सी है? लैगिंग। तो लैगिंग स्ट्रेंथ की पोलरिटी अपने पास में ये 5- है, तो ये 3-2 क्या हो जाएगी? 5- और ये अपने पास में क्या हो जाएगी?
एक हो जाएगी 5-3 और एक हो जाएगी 3-5। क्लियर है बच्चों? तो ये आप पहचान लोगे। मेंटेन द पोलैरिटी टेम्पलेट स्टैंड विद फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। If a double stranded DNA has 30% guanine, calculate the percentage of adenine in DNA. तो आपको 30% guanine दे रखा है, आपको पता है कि guanine cytosine से जुड़ता है, तो 30% क्या होगा? cytosine. Total कितना हो गया? 60%. अब 100% contain में से कितना चला गया बेटा? 60%. बच गया कितना? 40%. 40% में 20% क्या हो जाएगा? adenine, और 20% क्या हो जाएगा बेटा? थाइमिन। तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा? 20%। ठीक है, ये चारागाफ के नियम पर अपने पास में क्वेश्चन है। कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि कितने परसेंट प्यूरिन है और कितने परसेंट अपने पास में पायरिमिडीन है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। मिनी सैटेलाइट और VNTR आर यूज्ड इन। मिनी सैटेलाइट और VNTR किस प्रकार में यूज होता है? तो जो मिनी सैटेलाइट होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं बेटा, जो इस तरह से अपने पास में पीक बनाते हैं, उनको मिनी सैटेलाइट बोला जाता है। और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, दोनों ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं। इफ ए फोरिजन डीएनए इंसर्ट एट द प्लेस वेयर कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन इट इज कॉल्ड। देखो, आपको पता है किसी भी जीन पर हम अपना डीएनए इंसर्ट करेंगे तो वो जीन काम करना बंद कर देगी, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, निवेशी निष्क्रियता या प्रवेशन निष्क्रियकरण भी बोल सकते हैं, या अपन इसको निवेशी निष्क्रियता के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल कौन नहीं है, औजार कौन नहीं है अपने पास में? तो वाक जरूरी है, एंजाइम जरूरी है, फोरिजन डीएनए जरूरी है। जीएमओ टूल नहीं है, प्रोडक्ट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो अपने पास में टूल नहीं है, वो औजार नहीं है, वो क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, और विच इज द सिक्वेंस ऑफ एनिमल ड्यूरिंग वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट एंड देयर यूज। ठीक है, वैक्सीन आजकल भी कोरोना की वैक्सीन आई है, सभी वैक्सीन इस प्रोसेस को फॉलो करके आती है। सबसे पहले परीक्षण चूहों पर, चूहों के बाद में बंदरों पर, और बंदरों के बाद में ह्यूमन पर। तो CBA, अब अपने पास में CBA कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास में यहाँ तक ही हम इसको कंप्लीट करेंगे, सी और बी तक, क्योंकि ए अपने पास में ऑटो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अपने पास में साइज ऑफ VNTR। VNTR की साइज कितनी है? 0.1 किलो बेस पेयर से लेकर के 20 किलो बेस पेयर तक अपने पास में क्या होती है बेटा? VNTR की साइज होती है। क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास में इसकी साइज होती है, NCERT में डाटा दिया हुआ है। तो 76 में आंसर 2। नेक्स्ट है 77, रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट VNTR। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का, तो इस चैप्टर से अपन ने काफी क्वेश्चन दिए हैं, काफी क्वेश्चन इससे इंक्लूड किए हैं। देखो, पहला, दे आर नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आपको पता है हर क्रोमोसोम पर कुछ ऐसा सीक्वेंस होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी सेम नहीं होती है, तो ये सही है, दे आर नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, दे मे वेरिएबल इन डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ सेम इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, होमोलोगस पर भी अपने पास में सेम नहीं होती है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको क्या किया जाता है बेटा? आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, तो ये भी सही है। अब वी आर प्रिपेयर प्रोटीन, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि नॉन कोडिंग सिक्वेंस कभी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करती। तो अपने पास में आंसर 4। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात इस पे VNTR की बोली जाती है कि VNTR का भी प्रोटीन बनाने में यूज आ गए तो इंसान की पूरी जनरेशन ही चेंज हो जाएगी, इसमें इतना ज़्यादा म्यूटेशन हो चुका है समय के साथ में, तो ये बात है हमारे पास में। नेक्स्ट हम करते हैं बात, मैक्सिमम जीन आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम फर्स्ट,
देयर नंबर इज 2968 2968 जीन हमारे पास में अधिकतम पाए गए, जो किस पर थे, क्रोमोसोम फर्स्ट पर थे। ये सबसे कम जीन थे जो वाई क्रोमोसोम पर थे, 231। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्लांट आर स्टडी, निम्नलिखित पौधों का जीनोम प्रोडक्ट अध्ययन किया जा चुका है। बेटा आपको पता है कि जब ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर रहे थे तो अपने पास में ह्यूमन जीनोम के साथ साथ कुछ अन्य जीवों के जीनोम प्रोजेक्ट को भी हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया, क्योंकि काम तो चल ही रहा था। तो उसमें अपने पास में अब आपसे सिर्फ पादप का पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में हमने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन अब आपको ये भी छांटना है पादप कौन है। तो धान और एरोडोप्सिस थैलियाना ये पादप है दोनों, तो इनका अपने पास में जीनोम स्टडी किया जा चुका है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। इसका जीनोम पूरा स्टडी किया जा चुका है ह्यूमन के साथ, बिल्कुल किया जा चुका है, जिसके अंदर 4.6×10^6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंट होते हैं। ये होस्ट सेल की तरह भी यूज में लिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, नॉर्मली इकोलाई कंटेन रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये जीन जो है बेटा ये पीबीआर 322 पर प्रेजेंट होती है, और पीबीआर 322 जो है वो अपने पास में कोई नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसलिए इकोलाई में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है नेचुरली कि वो इनके प्रति रेजिस्टेंस हो, तो इसलिए आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, अपना आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द एडवांटेज टू यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इन पीसीआर इज। पीसीआर में तापरागी जीवाणु का डीएनए पॉलीमरेज काम में लिए जाने का फायदा है। तो आपको पता है टैग पॉलीमरेज जो है हाई टेम्परेचर पर काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ दीज बैक्टीरिया, मतलब टैग पॉलीमरेज की बात हो रही है, आर मच फास्टर, फास्टर से कोई लेना देना नहीं है, गलत हो गया बेटा, अत्यधिक तीव्र से। द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ दीज बैक्टीरिया कैन विद स्टैंड टू हाई टेम्परेचर नीडेड टू ड्यूरिंग ड्यूरेशन या डीनेचुर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। बिल्कुल सही बात है, 72 डिग्री तक ये अपने पास में सर्वाइव करता है। तो अपने पास में जीवाणु डीएनए पॉलीमरेज विकृतीकरण के लिए आवश्यक तापमान पर भी स्थायी बना रहता है, ये सही बात है। ठीक है, इजीली तो अवेलेबल होता ही नहीं है, थर्मस एक्वाटस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ठीक है, द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ दिस बैक्टीरिया नेवर मेक मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टेक करनी होगी तो कोई भी करेगा और मिस्टेक नहीं करनी होगी तो कोई भी नहीं करेगा। मिस्टेक बहुत कम चांस होते हैं मिस्टेक होती है बच्चों, क्योंकि मिस्टेक हुई नहीं, आपके अंग भंग हुए नहीं। ठीक है, मतलब जब भी डीएनए पॉलीमरेज मिस्टेक करेगा उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कंसीडर अपने पास में फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं कि निम्न को आप कंसिडर कीजिए। हाउ मैनी ऑफ दीज आर फाउंड इन पीबीआर 322, फिर उस पर क्वेश्चन आ गया। रेस्टिकेशन हिंड थर्ड होती है, बाम फर्स्ट होती है, पीयूवी सेकंड होती है, और एम्फिसिलिन प्रतिरोधी होता है। तो अपने पास में चारों की चारों चीजें क्या होती है बेटा, उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन विच कंपनी ह्यूमुलिन प्रोडक्शन टेक प्लेस फर्स्टली। आपको पता है इली लिली कंपनी थी अपने पास में अमेरिका की, तो इली लिली कंपनी ने सबसे पहले फर्स्ट इंसुलिन बनाया था, तो ये हो गया 83। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, द टेक्निक इन विच ए फोरिजन डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टंगस्टन एंड गोल्ड। ठीक है, और पार्टिकल शूट इनटू द टारगेट विच इज नोन एज, वह तकनीक जिसमें एक भारी डीएनए टंगस्टन में सोने के कणों के साथ संगठित रूप से लक्ष्य कोशिकाओं पर दागा जाता है, जिसे कहा जाता है। तो बेटा आपको पता है कि अपने पास में बायोलॉजिस्टिक या जीन गन मेथड में हम डीएनए को टंगस्टन से कोड करके और अपने पास में लक्ष्य कोशिकाओं के ऊपर दागते हैं। आंसर 4, क्वेश्चन नंबर 85। इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड कंडेंस विद ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ए न्यूक्लियोटाइड अटैच टू अनदर न्यूक्लियोटाइड एट।
तो एक शर्करा के पांचवे कार्बन का न्यूक्लियोटाइड दूसरी शर्करा के अपने पास में तीसरे कार्बन से क्या होता है बेटा, बाइंड होता है। तो अब देखो पांचवा कार्बन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा कार्बन ऑप्शन है, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। नेक्स्ट है, इन चारागाफ रूल विच वन स्टेटमेंट इज ऑड, चारागाफ रूल के लिए कौन सा विषम है। चारागाफ क्या कहता है, प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है डीएनए में, तो चारागाफ रूल हमारे पास में यही कहता है कि प्यूरीन की मात्रा डीएनए में किसके बराबर होती है, पिरिमिडिन के। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इट इज बेसिस ऑफ वॉटसन बेस पेयरिंग ड्यूरिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यह डीएनए की संरचना के दौरान वॉटसन क्षार युग्मकों को आधार बनाता है। बिल्कुल सही बात है, वॉटसन क्षार युग्म जो अपने पास में नॉर्मल होते हैं उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट है द बेस रेशो इज एडिनिन प्लस थायमिन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ईच स्पीसीज, ये बेस रेशो होता है बेटा, ये इसका कोई लेना देना नहीं है चारागाफ रूल से, तो ये अलग है। ठीक है, और ये अपने पास में चारागाफ रूल जो होता है ये अप्लीकेबल होता है डीएनए पर या डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल पर ही अप्लीकेबल होता है, तो बाकी सब सही है। थर्ड जो है वो बेस रेशो की श्रेणी में आता है। बेस रेशो में क्या कह रहा है, बेस रेशो में अपने पास में प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशो नहीं ले रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने पास में सीटी पिरिमिडिन होता और एजी प्यूरिन होता, बल्कि ये अलग टाइप का रेशो है और ये एक स्पीसीज के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ये चारागाफ रूल से अलग बात हो रही है। तो ऑड पूछा है तो थर्ड आंसर आ जाएगा। 87 की बात करें, इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट सेल क्रोमेटिन प्रेजेंट एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अधिकतर बच्चों का अपने पास में गलत भी हुआ होगा, क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा है उस बात पर आप गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी दो लाइनों को साथ में लिख रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। इसमें पूछा है इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट क्रोमेटिन प्रेजेंट, क्रोमेटिन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जिसका भी गलत हुआ है आज एनसीईआरटी में जाकर के ये पॉइंट पढ़ लेना, जहां पर हेटरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की बात हो रही है वहां पर इसकी भी बात हो रही है, तो वहां पर ये तंतु रूप में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स के रूप में कौन प्रेजेंट होते हैं, ये मोतियों के समान न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, वो अपने पास में कैसे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, और क्रोमेटिन खुद कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक, और वहां पर लिखा है कि क्रोमोसोम कैसे होंगे, डिफरेंट शेप के। ठीक है, तो ये अपने पास में बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आंसर सेकंड ही आएगा इसका, कोई करेक्शन नहीं है। तो आपका गलत हुआ है तो आप वहां पर जाकर के जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हेटरोक्रोमेटिन टेक डार्क स्टेन ड्यूरिंग स्टेनिंग बिकॉज, अभिरंजन के दौरान विषम क्रोमेटिन गहरा अभिरंजन लेते हैं क्योंकि ये जटिलता से कुंडलित होते हैं, टाइटली अपने पास में कुंडलित होते हैं, जिससे कि ज्यादा मात्रा में इनमें डाई आ जाती है और इनका कलर कैसा होता है, गहरा होता है। ठीक है, 89, चूज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतीकरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतीकरण की पूछ रहा है, करते हैं। पहला, वॉटसन एंड ट्रिक सजेस्ट दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, वॉटसन और क्रिक ने सुझाया कि डीएनए के रज्जू प्रतिकृतीकरण के दौरान टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेम्पलेट वही होते हैं, एक से लैडिंग स्ट्रेंथ एक से लैगिंग स्ट्रेंथ। दूसरा ऑप्शन आपका जो मिसेलसन और स्टाल का डायग्राम दे रखा है उसका थर्ड पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन मिसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट सेकेंड जनरेशन इकोलाई हैव हैवी एंड लाइट डीएनए। ठीक है, इसमें दे रखा है मिसेलसन व स्टाल के प्रयोग में सेकेंड पीढ़ी में इकोलाई में हल्के व भारी डीएनए थे, नहीं ये पॉइंट गलत हो जाता है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है एक तो थे हल्के और एक थे अपने पास में इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, इस वजह से अपने पास में ये पॉइंट गलत हो जाता है, ये आप
जाकर के एनसीईआरटी में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बाकी मैंने बता दिया। टेलर यूज्ड द विशिया फावा रूट टू प्रूव दैट क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेटेड आल्सो सेमी कंजर्वेटिव। बिल्कुल सही बात है, विशिया फावा चौड़ी सेम की पत्तियों में उन्होंने अपने चौड़ी सेम की रूट में उन्होंने स्टडी करके बताया था। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए इन मिशेलसन स्टाल्प एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द सेमी कंजर्वेटिव मेथड। बिल्कुल सही बात है, मिशेलसन और स्टाल के डीएनए का जो अपने पास में हाइब्रिड जो बना था वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सप्लेन कर रहा था। तो बेटा ये आप एनसीईआरटी में आराम से इस चीज को सीन कर सकते हो, तो इसलिए आप एनसीईआरटी को भी जाकर के देख लेना, और बाकी मैंने आपको इसको समझा दिया है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चूज ऑड वन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, दिए गए कथनों में से एक विषम को चुनिए। मैन रेप्लिकेशन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। इकोलाई प्रोसेस टू रेप्लिकेशन कंप्लीट विद इन 18 मिनट, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लिख रखा है, और बहुत सारे बच्चे इसमें लेकर के कंफ्यूजन में ही है आज तक। कई जगह एनसीईआरटी में कुछ कहते हैं कि सर 20 मिनट दे रखा है, और कई जगह अपने पास में 18 मिनट दे रखा है, तो इसको भी कई बच्चे अपने पास में 20 मिनट समझ करके गलत लगाए होंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमताएं कहाँ हैं कि हम चारों ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, अगर चारों ऑप्शन पढ़े तो हमें गलत ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप इसी में आंसर लगा दिए होंगे। प्यारे बच्चों, ये 18 मिनट डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम है, वो 20 मिनट इकोलाई के डिवाइडेशन का टाइम है, और डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा डिवाइडेशन में बहुत सारी चीजें आती है, साइटोप्लाज्म, G1, G2, S, और अपने पास में मेटाफेज, एनाफेज, बहुत सारी फेज आती है। ठीक है, तो वो पूरा है 20 मिनट डिवाइडेशन टाइम है उसका, और ये केवल और केवल किसका टाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है, 18 मिनट लिखा हुआ है, सो अपने पास में ये सही है। आगे अपने पास में इन इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पोलराइजेशन अप्रोक्स 200 बेस पेयर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात है, डीएनए पॉलीमरेज 200 बेस पेयर पर सेकेंड इसको अपने पास में कंटिन्यू करता है वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है ये भी सुन लो। जो अपने पास में न्यूक्लियोसाइड होता है वो अपने पास में क्या होता है, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो नाइट्रोजन बेस प्लस अपने पास में क्या होता है, पेंटोज शुगर मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड, प्लस इसमें एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, तो ये हमारे पास में होता है। तो वहां पर लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, की जगह न्यूक्लियोसाइड है, जिसे अपन एटीपी बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डबल पर्पज में यूज आते हैं, तो यहाँ पर टाइड लिख दिया, साइट आता तो आंसर सही होता। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 4। माइनर मिस्टेक है, 2-3 क्वेश्चनों में गलत हुए हो तो एनसीईआरटी खोल करके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आ रहा है, इफ द बेस सिक्वेंस ऑफ कोडोन इन एमआरएनए इज एयूजी, द सिक्वेंस ऑफ एंटीकोडोन इन टीआरएनए। ठीक है भाई, पेयरिंग टीआरएनए इसके जस्ट अपोजिट होगी, 3', यहां पर एडेनिन की जगह क्या होगा, थायमिन आना चाहिए, होता नहीं है, यूरेसिल आ जाएगा, अपने पास में यूरेसिल की जगह एडेनिन आ जाएगा, और अपने पास में क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, तो यूएसी, यूएसी मतलब फर्स्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड इन, प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट कहां स्थित होते हैं, तो देखिएगा प्रमोटर साइट 5' की ओर होती है, अपस्ट्रीमिंग एंड 5' की ओर, और टर्मिनेटर साइट 3' की ओर होती है, रेस्पेक्टिवली द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, तो 92 के बाद में 93 नंबर क्वेश्चन अपने पास में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, निम्न कथनों को पढ़िएगा और सही को चयन कीजिए। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विरोन, विरोइड्स, और ये तो अपने पास में एककोशिकीय जीव है, लिविंग नहीं है वो, नॉन लिविंग है, वायरस वगैरह, तो अपने पास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है।
न्यूक्लिक एसिड इज कैपेबल टू स्टोर एक्सप्रेस एंड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लिक एसिड सूचनाओं का संग्रहण करता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है और उनको अलग अगली जाति में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो कथन दोनों सही है, तो दोनों स्टेटमेंट अपने पास में क्या है बच्चों, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द ए चार्ज्ड डीएनए इज वैपर्ड अराउंड द बी चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ए आवेशित डीएनए बी आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ सटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है। ए क्या है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव आवेशित डीएनए पॉजिटिव आवेशित हिस्टोन से अपने पास में जुड़ता है, तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज शोन इन विषियाफावा बाई। विषियाफावा पर टेलर और उसके साथियों ने अपने पास में काम किया था, रूट पर अभी आया था थोड़ी देर पहले, तो अपने पास में टेलर एंड कलिक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। Which of the following RNA is most stable in animal cell? तो बच्चों ये अपने पास में एक informative question है और RRNA जो है अपने पास में most stable RNA होता है, तो ये आपको learn करना है। ठीक है, next की बात करते हैं। Select odd, आपको दूसरा छाटना है। Golden rice GMF है, genetically GMC कर दो, genetically modified crop है। Rosy GMF GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। फ्लेवर सेवर टोमेटो GMC है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। म्यूल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस किया गया है, इसमें जेनेटिक्स का कुछ वो बायोटेक्नोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं है, तो अपने पास में ओड कौन हो गया, म्यूल। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 4। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्सरे डिफ्रेंशिएशन डेटा ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाज प्रोसीड बाई, किसके द्वारा प्रदान किए गए, तो अपने पास में विल्किंस और फ्रैंकलिन, दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दोनों साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर के डबल हेलिक्स जो डीएनए मॉड्यूल था उसका एक्सरे डेटा प्रोवाइड करवाया था। तो बच्चों आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेरेटिव टू आरएनए बिकॉज, आरएनए की अपेक्षा डीएनए अधिक स्थाई है क्यों। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है कि डीएनए में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो आरएनए की अपेक्षा उसको अधिक स्थाई बनाते हैं, क्योंकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है और थायमिन का नाम है 5-methyl uracil। इसका मतलब अपने पास में यूरेशियल के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या पाया जाता है, मिथाइल पाया जाता है। तो अपने पास में इट शुगर हैज सेकंड पोजीशन पर OH नहीं, ठीक है, इट हैज मिथाइल यूरेशियल एज नाइट्रोजन बेस एट प्लेस ऑफ यूरेशियल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपने पास में ये हो गया बेटा, इससे रिएक्टिविटी कम होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब एक कई बच्चे इसमें पहला आंसर भी लगा देंगे, जबकि शुगर जो होती है एक्स्ट्रा OH जो होता है वो RNA में प्रेजेंट होता है सेकेंड पोजीशन पर, जो उसको हाईली रिएक्टिव बनाता है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। 100 क्वेश्चन, आरएनए एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल में पॉसिबल ड्यू टू, आरएनए प्रथम अनुवांशिक पदार्थ के रूप में संभव हो सका क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है आरएनए में, आरआरएनए में होती है 23S rRNA जिसे राइबोसोम बोलते हैं, और एबिलिटी टू डुप्लीकेशन मतलब अपने पास में होती है, वायरस वगैरह में अपने पास में डुप्लीकेट करता ही है, तो इस तरह से अपने पास में क्या होता है बेटा, एक से अधिक विकल्प इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है, तो 4th आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एमिनो एसिड रिकॉग्नाइज एंड गेट अटैच टू tRNA विद द हेल्प ऑफ, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एमल की सहायता से, एमिनोमल खालिस्तान की सहायता से पहचानते हैं कि पहचानते हैं तथा tRNA से संयोजित होते हैं। बच्चों आपको मैं बताऊं कि एक जैसे tRNA को पता है कि भाई 20 प्रकार के एमिनो एसिड उसको लेकर के आने हैं, साइटोप्लाज्म में 20 के 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं,
तो टीआरएनए कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है कि एमिनो एसिड जहां से भी जहां पर भी रहता है तो चिल्लाने लग जाता है, यस सर मेरा केमिकल है, मैं आ रहा हूं, मैं अटैच होऊंगा। ठीक है, जैसे आपको स्पेशल नाम की सहायता से बुलाते हैं वैसे ही उनको भी, मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपको एक नाम पुकारा जाए तो आप चिल्ला के बोलोगे यस सर, तो वैसे ही वो भी एमिनो एसिड चिल्ला के बोलता है टीआरएनए को कि यस सर, तो फिर वो उसको लेकर के और एमआरएनए के पास आता है। तो वो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, और ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार के ही एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बच्चों, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। 102, सेलेक्ट द नंबर ऑफ मिसमैच पेयर ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल टेम्परेचर। डीएनए निष्क्रियकरण लगभग अपने पास में डीनेचुरेशन जो होता है वो 72 डिग्री पर होता है बच्चों, तो ये अपने पास में गलत हो गया। एनुलिंग 40 डिग्री पर, एक्सटेंशन 72 डिग्री पर, टैग पॉलीमर, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेलेक्ट द नंबर ऑफ मिसमैच पेयर ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल टेम्परेचर, या पीसीआर के टेम्परेचर दे रखे हैं बेटा, एनसीईआरटी में पीसीआर के टेम्परेचर का जरूर जिक्र नहीं है, लेकिन ये अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन भी डालना जरूरी है क्योंकि अपने पास में कई बार आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन है डीनेचुरेशन अबाउट 92 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। एनुलिंग जब प्राइमर जुड़ता है 40 डिग्री, एक्सटेंशन आर टैग पॉलीमरेज काम करता है 72 डिग्री, तो टैग पॉलीमरेज भी 72 डिग्री है। डीएनए पॉलीमरेज कभी 78 डिग्री पर अपने पास में वर्क नहीं करता है डीआर, तो अपने पास में ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103 की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर मे बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन, किसका पॉसिबल संभव हल हो सकती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो पहला है टू मिनिमाइज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल, बिल्कुल सही बात है बेटा, अपने पास में केमिकल वगैरह हम डालते हैं तो अपने पास में उसका एक हल हो सकती है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट, ऐसा अपने पास में हो सकता है कि पादप के अपने पास में तत्वों के उपयोग, मतलब उत्पाद जो अपने पास में होता है तत्वों का उपयोग करने की क्षमता वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी अपने पास में इनहेंस्ड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो आंसर अपने पास में 4 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थ्रो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्ट विच डिजीज ट्रीटमेंट आर पॉसिबल सक्सेसफुली, किस डिजीज का अपने पास में सफलतापूर्वक उपचार हुआ है। तो अपने पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी हमने क्या किया है, नमूना बनाया है, यूज आया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी यूज आया है, एम्फिसाइमा भी यूज आया है, तो सभी डिजीज अपने पास में क्या हुई है बेटा, सक्सेसफुली अपने पास में यूज आए हैं इनके उपचार में ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट अपने पास में बात होती है ट्रांसजेनिक एनिमल आर प्रोड्यूस्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, प्राजनी जंतुओं को किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है, बीमारी के अध्ययन, फॉर स्टडी पर्पज ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही बात है, ऑब्टेन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रोजी काऊ, ठीक है, और अपने पास में ये ट्रांसजेनिक एनिमल इसमें अभी आया था एम्फिसाइमा वगैरह के लिए, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी अपने पास में यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास में क्या होता है ट्रांसजेनिक जंतुओं का यूज किया जाता है, तो ऑल ऑप्शन अपने पास में क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है क्वेश्चन नंबर 106, प्लाज्मिड यूज टू मेक द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेट डीएनए वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम, प्लाज्मिड जो प्रथम कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में प्रयुक्त किया गया कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया, तो बेटा वो साल्मोनेला टाइफी से निकाला गया था, ये एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जो ऐड की गई है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अपने पास में एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, बाकी सारा अपने पास में एनसीईआरटी से है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, द फंक्शनल सीडीएनए ऑफ एडीए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग ऑफ ए वेक्टर, देखो बेटा एडीए है एडिनोसिन डीएमिनेज, ये अपने पास में एससीआईडी करता है और ये एनिमल में करता है, तो आपको सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछ करके कि एनिमल में
अपने पास में ट्रांसफर करने के लिए किसको यूज करते हैं ये नहीं पूछ करके थोड़ा सा घुमाया है तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, रिट्रोवायरस। क्लियर है? तो रिट्रोवायरस को यूज करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आता है टीडीएनए इज फाउंड इन टीआई प्लाज्मिड के अंदर। अपने पास में टीडीएनए होता है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है उसमें ये टीडीएनए होता है, तो अपने पास में आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल व्हिच जीन हैव बीन अल्टरेट बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल फॉर जीएम प्लांट्स। क्या कह रहा है? पादप जीवाणु कवक जंतु जिनके जीन अस्थि कोशल द्वारा परिवर्तित की गई है अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं, निम्न में से कौन सा जीएम पादपों पर लागू नहीं होता है? कौन सा जीएम पादपों पर लागू नहीं होता है? तो पहला है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, तो लागू होता है कि केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग क्या करते हैं, वो कम करते हैं, निर्भरता कम करते हैं। प्रिवेंट अर्ली एक्सटेंशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सेल, ये शीघ्र मृदा की उर्वरकता समापन को रोकते हैं। ये गलत बात है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है वो मिनरल्स ज्यादा यूज करते हैं, और वो मिनरल्स ज्यादा यूज करते हैं तो बेटा अपने पास में मृदा की फर्टिलिटी जल्दी आती है, तो इसे रोकते नहीं है, ये बढ़ाते हैं। तो सेकंड आंसर हो जाएगा अपना क्रॉप लेस टॉलरेट ए एबायोटिक स्ट्रेस कॉल्ड ड्रॉट। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखिएगा, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स व्हिच जीन हैव बीन अल्टरेट बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जीएम प्लांट। पादप जंतु कवक जंतु जिनकी जीन अस्थि कोशल द्वारा परिवर्तित की गई है, ठीक है, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं, निम्न में से कौन सा जीएम पादपों पर लागू नहीं होता है? तो पहला है बेटा अपने पास में रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस करते हैं। दूसरा है प्रिवेंट अर्ली एक्सलेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ये भी सही बात है, अपने पास में क्या करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सोइल को अपने पास में समापन को रोकते हैं, ठीक है। क्रॉप लेस टॉलरेंट टू एबायोटिक फैक्टर, नहीं, जीएम क्रॉप जो होती है बेटा वो मोर टॉलरेंट होती है एबायोटिक फैक्टर के प्रति, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो गया। तो अपने पास में नेक्स्ट है ये अपने पास में न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 अपने पास में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा कथन असत्य है। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मिड हैव टू एबिलिटी रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट होकर के अपने पास में ये प्रतिकृतिकरण करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है सम प्लाज्मिड हैव ओनली वन और टू कॉपी सेल वेयर एज अदर मे हैव 15 to 100 कॉपी, बिल्कुल सही बात है, कुछ प्लाज्मिड प्रति कोशिका में 1-2 कॉपी रखते हैं और कुछ कोशिका में 15 से 100 तक अपने पास में कॉपियां हो सकती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इसमें जीवाणुवीय भोजी जीवाणु कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण करने में सक्षम होता है। बेटा ये क्या करता है, जीवाणु भोजी उसके डीएनए को खुद कंट्रोल करता है और ये खुद प्रतिकृति कराता है, तो अपने पास में बैक्टीरिया का डीएनए इसको कंट्रोल नहीं करता है, तो ये स्वतंत्र रूप से खुद प्रतिकृति करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक प्रोसीजर ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट, ये इल्यूशन होता है बेटा, या अपने पास में दूसरा प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से अपन ये नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो बैक्टीरिया में डीएनए के ट्रांसफर वाले प्रोसेस को बोलते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो फोर्थ रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में क्या कह रहा है, 111 विच वैक्टर कंटेन हाई कॉपी नंबर ऑफ विच वैक्टर contain very high copy number of their genome within bacterial cell, ये bacteriophage है, लगभग 150 copy, तो अपने पास में NCERT की लाइन है, तो second answer। Next है,
नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर प्रोसेस परफॉर्मिंग बैक्टीरिया अनुवांशिक प्राकृतिक रूप से अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रक्रिया दर्शाने वाला बैक्टीरिया, आपको पता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसिस, इसी से हमारे पास में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड रखता है और ट्यूमर इंड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स। ठीक है, उस समय में इंसुलिन के क्या निकारक प्रभाव था जो काटे गए जानवरों के और सुअरों के अग्नाशय से प्राप्त किया जा सकता था, तो सीधी सी बात एक होती थी बेटा कि दूसरे जीवों से आप निकाल रहे हो तो अपने अंदर वो क्या करता है, एलर्जी करता है। देखो इंसुलिन इंसुलिन था, इफेक्टिव तो लेस भी क्या से वो, उसमें भी उतना इफेक्टिव होगा, इसमें भी इतना इफेक्टिव होगा, एलर्जी करता था सम पेशेंट में। ठीक है, तो अपने पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में क्या क्वेश्चन है, द निमेटोड दैट इन्फेक्टेड द रूट ऑफ टोबेको प्लांट्स कॉज्ड ए ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड इज। ठीक है, तो अपने पास में आपको पता है मेलिडोना इनगोटिनिया है अपने पास में, इनगोक्सिनिया अपने पास में, ये क्या करता है निमेटोड में जो जड़ों के अंदर अपने पास में रूट गोल डिजीज करता है, उसकी वजह से इसकी अपने पास में रूट के अंदर गांठें बन जाती है और सप्लाई रुक जाएगी और प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आंसर अपने पास में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115, विच टू प्लांट्स ऑफ इंडिया आर लिस्टेड बाय लिस्टेड फॉर पेटेंट बाय अदर कंट्री। देखो बेटा आपको पता है बायो पेटेंट से क्वेश्चन है कि कंट्री क्या करा लेती है, पेटेंट करा लेती है, फिर वही उसी चीज को वही कंट्री इस्तेमाल कर सकती है, दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं। तो इसमें नीम और हल्दी का पेटेंट कराया गया था हमारे पास में, तो नीम और टर्मरिक जो है अपने पास में इसका पेटेंट कराया गया था, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 116, ओवर 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल आर, जो अपने पास में 95% अपने पास में जो है वो ट्रांसजेनिक चूहे बनाए गए हैं बेटा, माइस बनाए गए हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अब अपने पास में आता है बच्चों, नेक्स्ट अपने पास में 117, द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मेटेरियल इज, अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता है कि अपने पास में अनुवांशिक पदार्थ की क्या विशेषताएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा कि अपने पास में ये खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखनी चाहिए, यह केवल युग्मकों में अभिव्यक्त हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में सब जगह अभिव्यक्त होगा, तो इट शुड एक्सप्रेस ओनली गैमेट्स, ये रॉन्ग हो गया, इट शुड स्लोली चेंज, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें थोड़े थोड़े क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। ठीक है, और इट शुड रेप्लीकेट इट सेल्फ, बिल्कुल सही बात है, रेप्लीकेट होना चाहिए, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, अगर डीएनए में थोड़े थोड़े चेंज नहीं होते और डीएनए ये ठान के बैठ जाता कि उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, तो आज सोचो हम पहले के लोगों की हाइट, सोचो आप भीम वगैरह की कितनी हाइट हुई होगी, हमारी कितनी हाइट है और आने वाले लोगों की कितनी हाइट होगी। ठीक है, हाइट में कंटिन्यू वेरिएशन आई, वो क्यों आई, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी थी कि वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन पैदा कर सके, अगर वेरिएशन नहीं पैदा करते तो इतने बड़े बड़े लोग ही होते, तो आज जनसंख्या इतनी कहाँ समाहित होती, नहीं समाहित होती। तो पहली बात है कि उसमें स्लोली चेंज होने चाहिए, सडनली भी नहीं होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए, और खुद को रेप्लीकेट करने का मतलब अपने पास में रेप्लीकेट करेगा तो ही तो दूसरी कोशिकाओं को दे सकेगा, अगर रेप्लीकेट नहीं करता तो दूसरी कोशिकाओं को नहीं देता। तो मोर देन वन ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो गए बच्चों, आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, टीआरएनए हैज द फंक्शन ऑफ, टीआरएनए का क्या काम है, तो टीआरएनए नाम से आपको प्रसिद्ध है, ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को पकड़ता है और उनको ट्रांसफर करने का काम करता है, एडेप्टर फॉर अटैचिंग ऑफ एमिनो एसिड ओवर एमआरएनए टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अपने पास में ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा हो गया, 91119 हो गया, दिया गया प्रवाह चित्र पुनर्योग डीएनए तकनीक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, एबीसीडी को पहचानिए, द फॉलो चार्ट गिवन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइड ए बी सी। देखो पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बताया था, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कौन है, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज, इससे हमने क्या किया है, काटा है, तो ये रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज है, फिर अपने पास में सी से हमने जोड़ा है तो ये लाइगेज हो गया। ठीक है, और डी को हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो ये अपने पास में ट्रांसफॉर्मेंट हो गया।
ठीक है, तो ए और बी रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज है, ए और बी रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज है, डी लाइगेज है और सी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आंसर अपने पास में सेकंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास में हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 120, थर्मस एक्विटेंस इज नॉट, ठीक है, थर्मस एक्विटेंस क्या नहीं है, तो इससे टैग पॉलीमरेज का सोर्स है, बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, आर्की बैक्टीरिया है बस, क्या नहीं है, यू बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया है जहां कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है बेटा, आर्की बैक्टीरिया, जब परिस्थितियां विषम होती है तो वहां पर कौन सर्वाइव करता है, आर्की बैक्टीरिया, तो क्या नहीं है, आर्की बैक्टीरिया है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारी अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंप्लीट हुई। तो आज हम ये DCM पूरी करते हैं, उम्मीद है कि आप सबके अच्छे नंबर आए होंगे, और खास बात यह है कि NCERT से बाहर कुछ भी नहीं था, अगर नंबर नहीं आए तो एक बार आप जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको प्रिफेयर कीजिएगा, उनको देखिएगा NCERT में कहा है, क्योंकि नीट में ये नहीं कहा गया कि NCERT से बाहर आएगा, लेकिन ये तो है कि NCERT का तो सब कुछ आएगा ना बच्चों, तो अपने पास में NCERT का सब कुछ आएगा और कुछ भी गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। नीट के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, लगातार मेहनत करते रहिए, CLC के शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा, सिलेक्शन आपका ही होगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।